बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको ये ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमने बुकरम को डबल किया हुआ है। बुकरम की चौड़ाई 2.25 इंच है और बुकरम की लंबाई 8 इंच है। बुकरम की चौड़ाई की तरफ हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरफ भी हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम इस तरफ निशान को ऐसे ले जाएंगे। अब हम बुकरम की कटिंग कर लेंगे। बुकरम को हम इस तरह से कट करेंगे। अब हम बुकरम को अपने ट्राउज़र पर पेस्ट कर लेंगे। ये हमने बुकरम को ट्राउज़र पर पेस्ट कर लिया है। ट्राउज़र की हमने सेंटर वाली सिलाई भी लगा ली है। अब हम 1 इंच चौड़ा कपड़ा लेंगे, इसको हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और इस तरफ हम ऐसे सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे सीधा करेंगे। इस कपड़े की हम पट्टियाँ बनाएंगे। ऐसे बॉल पिन की मदद से हम इसे यूं सीधा करेंगे। ये हमारी पट्टी सीधी हो गई। ये हमने 1-1 इंच की पट्टियों को कटिंग कर लिया है। 1-1 इंच की हम ऐसे पट्टी को कटिंग कर लेंगे और अब हम ये ट्राउज़र के सेंटर वाला फैब्रिक कट कर देंगे। यहाँ हम कॉर्नर्स पर कट लगा लेंगे। अब हम सीधे साइड से ऐसे फैब्रिक को बुकरम की तरफ फोल्ड करके यहाँ कॉर्नर पर हम बुकरम के कॉर्नर पर ऐसे चौक की मदद से निशान लगाएंगे। पूरे फैब्रिक पर हम ऐसे ही निशान लगाएंगे। ऐसे बिल्कुल बुकरम के एंड एंड पर हम ऐसे निशान लगाएंगे। अब हम पट्टी लेंगे। इस पट्टी को हम ऐसे डबल फोल्ड करके ट्राउज़र के फ्रंट साइड पर ऐसे यहाँ रख कर लगाएंगे। पट्टियों को हम ट्राउज़र के फ्रंट साइड पर लगाएंगे। जहाँ हमने निशान लगाए हैं वहाँ हम सिलाई लगाएंगे। इन पट्टियों को हम 1-1 इंच के फासले पर लगाएंगे। इसी तरह से हम पट्टियों को दूसरी साइड भी लगाएंगे। ये हमने दोनों तरफ पट्टियाँ लगा ली। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। इस फैब्रिक को हम ट्राउज़र के नीचे ऐसे रखेंगे और बुकरम के बराबर बराबर में हम सिलाई लगाएंगे। अब हम इस फैब्रिक को भी अंदर से कटिंग कर देंगे और यहाँ हम कट लगा लेंगे। अब हम इस फैब्रिक को ऐसे बैक साइड पर फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगाएंगे।
अब हम बैक साइड से इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली। अब हम शर्ट की प्रिंटेड पट्टी लेंगे। इस पट्टी की चौड़ाई 4 इंच है और इसको डबल करके इसकी चौड़ाई 2 इंच बच जाएगी। इस पट्टी को हम ऐसे ट्राउज़र के बैक साइड पर रखकर स्टिच करेंगे। अब हम इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा लेंगे। इस पट्टी को हम ट्राउज़र के फ्रंट साइड पर ऐसे फोल्ड करके फ्रंट साइड पर सिलाई लगा लेंगे। इस ट्राउज़र की लंबाई हम 2 इंच कम रखेंगे। इस ये पट्टी हम 2 इंच की लगाएंगे तो हमारे ट्राउज़र की लंबाई पूरी हो जाएगी। ये हमारी पट्टी लग गई। अब हम कपड़े की डोरी लेंगे। ये डोरी हमने आपको पहले बनाना सिखाई है। इस डोरी को हम ऐसे पट्टियों में से गुजार देंगे। अब हम इस तरफ से गुजारेंगे। ऐसे एक पट्टी को छोड़कर दूसरी पट्टी से हम आमने सामने से यूं डोरी को गुजारेंगे। अब हम इसी तरह से इस तरफ से भी डोरी को गुजार देंगे। ये हमने दोनों तरफ से डोरी को गुजार लिया। अब हम 2 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा फैब्रिक लेंगे। इस फैब्रिक को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ ऐसे डोरी को रखेंगे और इस फैब्रिक को दोबारा ऐसे फोल्ड करके हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे ऐसे सीधा कर लेंगे। ये हमारा टसल बन गया। ये हमारा फैब्रिक का टसल बन गया। अब हम इसी तरह से दूसरी डोरी पर भी टसल लगाएंगे। अब हम यहाँ यूं गिठान दे देंगे। अब हम ट्राउज़र की फिटिंग कर लेंगे। ट्राउज़र का पैंचा हम 6 इंच रखेंगे। यहाँ से हम ट्राउज़र की फिटिंग कर लेंगे। ये हमारा बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र का डिज़ाइन रेडी हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।